हेलो चिल्ड्रन, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस मेंटल मैथ। आपको मैंने मेंटल मैथ की ये शीट कल दी थी, लेकिन किसी भी चिल्ड्रन ने मुझे कंप्लीट कर यहाँ पर मुझे नहीं दिखाया, इसलिए हम इसको आपको दोबारा से करने के लिए दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर वन, इफ़ 545 मल्टीप्लाई 3, देन आंसर आ रहा है 1635। देन बाई विच नंबर 545 शुड बी मल्टीप्लाइड टू गेट 16,350। तो बताइए 16,350 कैसे आएगा। इसका हम 545 का मल्टीप्लाई 3 से करते हैं तो आंसर 1635 आ रहा है, और 16,350 कैसे आ जाएगा इसका आंसर अभी आप यहां से चेक करेंगे। एज 545 को मल्टीप्लाई करा 3 से तो आंसर आ गया 1635। देन आपका 545 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो आंसर तो सेम ही आएगा, लेकिन एक ज़ीरो यहाँ पर ऐड कर देंगे 30 से, तो आंसर अपने आप ही यहाँ पर सेम हो जाएगा। यही तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा था कि 16,350 कैसे आया, 30 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आपका आ गया। देन अब आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड, मल्टीप्लाई 73 बाई 5 यूजिंग एक्सपेंडेड नोटेशन मेथड। आपको 73 का मल्टीप्लिकेशन 5 से करना है, वो भी एक्सपेंड करके नोटेशन मेथड से। इसका आंसर आपका ये है 75 बाई 3, 3 से मल्टीप्लाई करना है, वो भी एक्सपेंडेड नोटेशन मेथड से। तो पहले आप क्या करेंगे, 75 को एक्सपेंड कर देंगे 70 प्लस 5, ब्रैकेट में इसको किया मल्टीप्लाई, किससे किया 3 से। तो आप 70 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे, देन आप 5 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे। तो पहले क्या यहाँ नोट करेंगे, 70 मल्टीप्लाई 3, देन आपने 5 से मल्टीप्लाई 3, 70 का 3 से मल्टीप्लाई किया तो 210 आया, 5 का 3 से मल्टीप्लाई किया तो 15 आया, दोनों को ऐड किया तो 225। ये आपका आंसर हो गया 225, ये आपका आंसर है। देन अब क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड में रीड करिए क्या बोला जा रहा है। द फुटबॉल स्टेडियम हैज़ 356 रूम्स विथ 200 सीट्स इन ईच रूम, हाउ मैनी पीपल्स कैन इंजॉय द फुटबॉल मैच एट वन टाइम। एक फुटबॉल स्टेडियम में 356 रूम्स हैं विथ 200 सीट्स इज ईच रो, 356 रूम्स हैं वहाँ पर, और उसमें हर रो में 200 सीट्स हैं, तो हाउ मैनी पीपल कैन इंजॉय द फुटबॉल मैच एट वन टाइम। एक समय में वहाँ पर फिर कितना पीपल वहाँ पर इंजॉय कर सकते हैं, 356 रोज हैं उस और हर रो में 200 सीट्स हैं, तो आपको इसको कैसे निकालना है, इसकी आप इस तरीके से सॉल्व करेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर थर्ड को सबसे पहले नंबर ऑफ रोज इन अ फुटबॉल स्टेडियम, तो 356 है, नंबर ऑफ सीट्स इन ईच रो 200, तो नंबर ऑफ पीपल कैन इंजॉय एट वन टाइम, नंबर ऑफ पीपल कैन इंजॉय एट वन टाइम, एक समय में कितने लोग इंजॉय करेंगे, तो सिंपली मल्टीप्लिकेशन करना है आपको, 356 का मल्टीप्लिकेशन 200 से किया, आंसर क्या आया 71,200। तो आप 71,200 क्या हुआ है पीपल, आंसर में पीपल मेंशन करना है, 71,200 पीपल वहाँ पर इंजॉय कर सकते हैं। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया फोन, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ 2,124 मल्टीप्लाई 6। ये तो आपको सिंपली मल्टीप्लिकेशन करना है इसको बाय 2,124 का मल्टीप्लिकेशन 6 से किया, तो 6 4 जा 24, तो 2 कैरी 4 यहाँ पर आ गया, 6 का 2 से मल्टीप्लाई किया 6 2 जा 12 में 2 प्लस किया तो 14 हो गया, 14 का 4 1 कैरी, 6 का 1 से मल्टीप्लिकेशन किया तो 6 1 जा 6 और 1 7 हो गया, 6 का 2 से मल्टीप्लाई किया तो 6 2 जा 12, तो आंसर क्या आया 12,744। क्वेश्चन नंबर फाइव, हाउ मैनी मिनट्स आर देयर इन द मंथ ऑफ मार्च। अब ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, हाउ मैनी मिनट्स, कितने मिनट्स होते हैं द मंथ ऑफ मार्च में, कितने मिनट्स होंगे, तो पहले तो हमको ये फाइंड आउट करना है कि मार्च में कितने डेज होते हैं, या आप लोगों को सबको मालूम होगा कि मार्च में 31 डेज होते हैं, अब उसको फाइंड करना है स्टेटमेंट में।
नंबर ऑफ डेज इन मार्च, अभी मैंने बताया 31 डेज, तो नंबर ऑफ आवर्स इन वन डे, वन डे में कितने आवर्स होते हैं, 24 आवर्स होते हैं, तो नंबर ऑफ मिनट इन वन आवर में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट्स होते हैं, तो नंबर ऑफ मिनट इन वन डे में निकालने के लिए आप क्या करेंगे, 60 का मल्टीप्लाई 24 से कर देंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा, 1440 मिनट्स। ये आपकी कितनी 1440 मिनट्स 24 आवर्स में, 24 डे उसमें आया है, वन डे का ये आपका आ गया, वन डे में आपके कितने मिनट्स होंगे, तो 1440 मिनट्स होंगे, तो आपको 31 डेज का निकालना है। सिंपली आपको 1440 से आपको 31 का मल्टीप्लीकेशन कर देना, देन आंसर आएगा 44,640 मिनट्स। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ से कंप्लीट होगा। बस आपको ये याद रखना है कि क्या पूछा जा रहा है और आपको क्या सॉल्विंग करनी है। आपको कोई भी क्वेरीज आपको इसके मेंटल मैथ में अगर प्रॉब्लम हो रही है तो उसके लिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा या पूछ सकते हैं, और इसको आप अपने मैथ के रजिस्टर में नोट करेंगे। थैंक यू।